Yeah, hello students and welcome back again in your video tutorial. And today in this lecture we are going to start about the classification of class septiles, and we are going to learn about the orders of class septiles. So in our previous lecture I have told you that depending upon the temporal fossa ka matlab hota hai ki jo temporal bone hai uske andar indent hote hai, vacuities hoti hai, jin indent par temporal muscles attach ho jati hain और वो हेल्प करती है मैस्टिकेशन. तो भाई टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल इंडेंट है या नहीं, इसके बेसिस पर आप तुमने क्लासिफाई किया था एज एनेप्सिडा और डायप्सिडा. एनेप्सिडा वो होते हैं जिनके पास इंडेंट नहीं होता है, और डायप्सिडा वो होते हैं जिनके पास टू पेयर ऑफ इंडेंट होते हैं, जिनसे आगे चल के टेम्पोरल मसल्स अटैच हो जाएंगी. तो बच्चों आज का लेक्चर शुरू करते हैं, और सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट सब क्लास एनेप्सिडा के बारे में. और सब क्लास एनेप्सिडा, लेट अस स्टार्ट विद सब क्लास एनेप्सिडा. और एनेप्सिडा के अंदर होते हैं कोई भी टेम्पोरल वैक्यूटीज या फोसा नहीं होते हैं, नो टेम्पोरल फोसा और वैक्यूटीज. ठीक है भाई. अब इस सब क्लास में हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो एक जनरल ऑर्डर पढ़ा था, और मैं आपको ना एक नहीं आज दो जनरल ऑर्डर के बारे में बताऊंगा. जो पहला ऑर्डर होता है, द मेजर ऑर्डर ऑफ दिस क्लास इज ऑर्डर शिलोनिया. जो ऑर्डर शिलोनिया होता है डेट इज द ऑर्डर ऑफ टर्टल, ऑर्डर ऑफ टॉर्टोइज. तो इसके पहले करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लेते हैं. इसके करेक्टरिस्टिक फीचर होंगे कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो टेरिस्ट्रियल भी होते हैं, वो मैराइन वाटर भी होते हैं, एज वेल एज कुछ फ्रेश वाटर भी होंगे. तो इस ऑर्डर के जब मेंबर्स की बात करना शुरू करेंगे तो आइदर दे आर टेरिस्ट्रियल और दे आर मैराइन इन नेचर और दे आर फ्रेश वाटर. पहले एक टेरिस्ट्रियल का एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर एक मैराइन का एग्जाम्पल बताऊँगा, और एक फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल बताऊंगा. अगर टेरिस्ट्रियल के एग्जाम्पल की बात करें, सो टेस्टुडो और जिसको हम कॉमनली बोलते हैं लैंड टॉर्टोइज, टेस्टुडो विच इज कॉमनली नोन एज लैंड टॉर्टोइज, एक मेंबर होता है शिलोनिया का और वो टेरिस्ट्रियल होता है. देन जब मैराइन की बात करेंगे बच्चों, जो शिलोन होता है जिसको हम टर्टल कहते हैं, डेट इज मैराइन इन नेचर. तो शिलोन और टर्टल इज मैराइन टर्टल. शिलोन इज सिंपली रेफर्ड एज टू मैराइन टर्टल. और कल हम बात कर रहे थे टेरापीन्स के बारे में, कल जब हमने डिस्कशन शुरू किया था और इनके जब हैबिटेट को पढ़ रहे थे तो मैंने कुछ एक्वेटिक में एग्जाम्पल बताए थे. एक एग्जाम्पल बताया था टेरापीन्स, और टेरापीन्स का साइंटिफिक नेम होता है ट्राईओइंक्स. सो ट्राईओइंक्स लेट्स कॉल डेट फ्रेश वाटर टेरापीन, डेट इज ए फ्रेश वाटर मेंबर. लेट्स कॉल डेट फ्रेश वाटर टेरापीन. तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक फीचर तो हमने जो शिलोनिया के मेंबर होते हैं उनकी हैबिटेट का पढ़ लिया, कि भाई वो आपका टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं, क्लासिकल एग्जाम्पल इज टेस्टुडो, वो आपका मैराइन हो सकते हैं, क्लासिकल एग्जाम्पल इज शिलोन, एंड वो आपका फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, क्लासिकल एग्जाम्पल इज ट्राईओइंक्स. इट इज़ वर्थ मैंशनिंग हियर कि जो ट्राइंक्स होता है वो एडिबल होता है. एट सेवरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड ट्राईओइंक्स इज एडिबल, इट हैज़ बीन ईटन एज फूड. तो पहला हो गया करेक्टरिस्टिक फीचर उनके हैबिटेट के बारे में. देन वन बाय वन और भी फीचर्स में डिस्कस कर लेता हूँ, वन बाय वन मैं और फीचर्स भी डिस्कस कर लेता हूँ इनके, कि भाई इनके बॉडी के ऊपर कैसा कवरिंग होता है, इनका जो शेल है, इनका जो एग्जोस्केलेटन होता है, कौन से पार्ट को हम बोलते हैं प्लास्टरॉन, कौन से पार्ट को हम बोलते हैं कैरापेस बना हुआ है. आपने देखा होगा कि जो टॉर्टोइज या टर्टल होते हैं उनका जो पूरा बॉडी है वो कवर्ड होता है बाय ए वेरी बोनी शेल. द होल बॉडी इज कवर्ड बाय ए फर्म बोनी शेल. डोर्सल जो प्लेट होगा जो ऊपर की तरफ होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक टर्टल क्या या टॉर्टोइज की बात कर रहा हूँ, जो डोर्सल प्लेट होता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों कैरापेस,
और जो वेंट्रल साइड होता है, जो नीचे की साइड होता है, उसको बोलते हैं पेलेस्ट्रॉन। तो सेकंड जो हम फीचर पढ़ेंगे, डेट बॉडी द होल बॉडी, सेकंड फीचर होल बॉडी इज कवर्ड बाय बोनी शेल्स, बाय बोनी शेल्स डोसली और डोसल शेल इज नोन एज, हमने ना ये वर्ड उसमें भी पढ़ा था अगर आपको याद हो क्रस्टेशन में, कैरापेस। और जो वेंट्रल पार्ट ऑफ शेल होता है, वेंट्रल शेल इज नोन एज प्लेस्टेरॉन, प्लास्टर से वर्ड आया प्लेस्टेरॉन। तो अगर मैं बॉडी बना के दिखाऊं, फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉडी ऑफ एनिमल हेयर, जो भी डोसल साइड होगा यहाँ पर ये जो बड़ा सा शेल कवरिंग होता है इसको बोलते हैं कैरापेस, और जो वेंट्रल साइड पर शेल होता है इसको बोलते हैं प्लेस्ट्रॉन। तो शिलोन जो होते हैं, जो मेंबर ऑफ शिलोनिया होते हैं, उनका जो बॉडी होता है वो फर्म बोनी शेल से कवर्ड होता है। डोसल साइड के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, कैरापेस। आगे मैं बताऊँगा कि ये अपने कैरापेस के अंदर अपने बॉडी पार्ट को भी, फॉर एग्जाम्पल ये कैरापेस है और बॉडी पार्ट को रिट्रैक्ट कर सकते इन साइड द कैरापेस, माने वो एक अम्ब्रेला के जैसे काम कर रहा है। तो जब भी ज़रूरत होती है उसके जो भी बॉडी पार्ट है वो कैरापेस के अंदर रिट्रैक्ट हो जाते हैं। तो व्हाट इज कैरापेस, कैरापेस इज द बोनी प्लेट और बोनी शील्ड ऑन द डोसल साइड, एंड बोनी शील्ड ऑन द वेंट्रल साइड इज नोन एज प्लेस्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब एक और बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर होता है इनके मेंबर्स का, इनके पास टीथ नहीं होते हैं। इनके जो टीथ है दे आर मॉडिफाइड इनटू हॉर्नी बीक्स, तो इनके जो जॉज होते हैं उसमें टीथ ना होकर बीक्स होती हैं। बीक्स समझते हैं, चोंच जिसको बोलते हैं। तो हॉर्नी, हॉर्नी का मतलब होता है जिसके ऊपर केराटिन की कवरिंग होती है। सो टीथ्स आर एब्सेंट इन दीज एनिमल एंड टीथ्स आर रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी बीक्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट और नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर, टीथ्स आर एब्सेंट और वी कैन से दे आर रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी बीक्स। सो इट इज वर्थ मैंशनिंग हेयर दैट जॉज इन शिलोनिया आर विद हॉर्नी बीक्स, इनके जो जॉज होते हैं उन पर बीक होती है, इनके पास टीथ वगैरह नहीं होते हैं। तो रेप्टाइल्स का अगर नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन पढ़ें, एक्रोडॉन टीथ भी बताए थे कि भाई एक्रोडॉन टीथ होते हैं स्फिनोडॉन के अंदर, प्लियोडॉन्ट हो जाते हैं स्नेक्स एंड लिजर्ड के अंदर, थीकोडॉन्ट हो जाते हैं क्रोकोडाइल के अंदर, और टीथ किसके पास एब्सेंट होते हैं, आंसर वुड बी टॉर्टोइज एंड टर्टल। या शिलोनिया के जो मेंबर होते हैं उनके पास टीथ वगैरह नहीं होते हैं, और टीथ कैसे रिप्लेस हो गए बाय हॉर्नी बीक। अब नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे, उनका जो नेक होता है, जो लिम्ब्स होते हैं और जो टेल होते हैं उनके ऊपर स्केल होते हैं। नेक्स्ट फीचर यहीं पर लिख देता हूँ, नेक लिम्ब्स एंड टेल आर विद स्केल्स, डोसल और वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी के साथ साथ उनके नेक के ऊपर भी आपको स्केल्स मिलेंगे, लिम्ब्स के ऊपर भी स्केल्स मिलते हैं। लिम्ब्स के ऊपर आगे चल के स्केल्स पढ़ोगे कि बर्ड्स वगैरह में भी देखने को मिलेंगे, और उनके जो टेल वाला पार्ट होगा उसके ऊपर भी स्केल्स मिलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ याद रखेंगे, ये जो ऑर्गन्स होते हैं नेक लिम्ब और टेल, ये एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी दे कैन बी रिट्रैक्टेड इनसाइड द कैरापेस। जो कैरापेस है, जो डोर्सल सेल है, उसके अंदर अगर ये इसके लिम्ब से ये रिट्रैक्ट हो सकते हैं, ये नेक है तो ये रिट्रैक्ट हो सकती है, और ये टेल है तो ये भी रिट्रैक्ट हो सकती है। सो दीज ऑर्गन कैन बी पुश्ड इनटू कैरापेस, दीज ऑर्गन कैन बी पुश्ड इनटू कैरापेस। मेजर आप याद रख के चलेंगे हेड वाले पार्ट का, आगे जब मैं आपको थोड़े बहुत ना वो भी बताऊंगा डिफेंसेस कि टर्टल और टॉर्टोइज में क्या होता है, कि हेड रिट्रैक्ट हो सकता है या नहीं। हेड नेक लिम्ब एंड टेल रिट्रैक्शन में हेड रिट्रैक्ट हो सकता है, जब स्केल्स की बात करते हैं तो नेक लिम्ब और टेल के पास स्केल्स होते हैं। आर वी डन अप टू हियर? सो हमने क्या पढ़ा कि जो मेंबर होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मैराइन हो सकते हैं और फ्रेश वाटर हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल में एग्जांपल पढ़ लिया आपने, मैराइन का एग्जांपल पढ़ लिया और फ्रेश वाटर का पढ़ लिया, टॉर्टोइज टर्टल एंड टेरापीन्स।
पूरी बॉडी के ऊपर स्केल्स होंगे, बोनी शेल्स होती हैं, जो डोर्सल सेल होती है उसको बोलते हैं कैरापेस, और जो वेंट्रल साइड पर होता है, दिस इज द वेंट्रल साइड, उसको बोलेंगे प्लेस्ट्रॉन। टीथ एब्सेंट होते हैं या फिर कह सकते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं बाई हॉर्नी बीक, जो जॉज है उनके अंदर हॉर्नी बीक्स होते, टीथ नहीं होते हैं। नेक, लिम्ब और टेल के पास स्केल्स होंगे, एंड दी स्केल्स कैन बी पुश इन टू कैरापेस व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी कभी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो लिम्ब्स हुए, नेक हुआ, या फिर आपके पास टेल हुआ, ये कैरापेस के अंदर रिट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, फिर बात करते हैं उनके वर्टिब्रल कॉलम की। जो थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा और दोज वन जो थोरेसिक रीजन में है, और जो रिब्स होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा एंड रिब्स, दे आर अटैच्ड विद द कैरापेस। थोरेसिक वर्टिब्रा एंड रिब्स आर अटैच्ड विद कैरापेस। इट इज वर्थ मेंशनिंग हियर कि इनके पास स्टर्नम वगैरह नहीं होता है। स्टर्नम इज एब्सेंट इन दीज एनिमल। तो रिब्स स्टर्नम से न अटैच होकर सीधा कैरापेस के साथ ही अटैच हो जाते हैं। स्टर्नम इज एब्सेंट। आर वी डन अप टू हियर? थोरेसिक वर्टिब्रा का कंसेप्ट क्लियर है, रिब्स का कंसेप्ट क्लियर है। रिब्स जनरली कहाँ अटैच होते हैं? स्टर्नम के साथ, और स्टर्नम इनके पास नहीं होता है। तो मेनली जो इनके थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं, जो रिब्स होते हैं, दे आर अटैच टू स्टर्नम। देन मैंने आपको बताया था कि कुछ एनिमल होते हैं जिनके पास क्लोकल रेस्पिरेशन होता है। इनका जो क्लोका है उसकी पोजीशन वर्टिकल होती है, तो क्लोका इज वर्टिकल इन पोजीशन एंड दैट इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। आई रिपीट दैट क्लोका इज वर्टिकल इन पोजीशन एंड दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन। क्लोका इज वर्टिकल इन पोजीशन एंड हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। जितने भी वर्टिब्रेट पढ़ रहे हैं उसमें क्लोकल रेस्पिरेशन टर्टल में ही याद रखना है। शिलोनिया के जो मेंबर होते हैं, टॉर्टोइस, टर्टल, उन्हीं के अंदर क्लोकल रेस्पिरेशन आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, फिर बाद में कोपुलेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जो कोपुलेटरी ऑर्गन होता है वो सिंगल होता है, राइट? अ सिंगल कोपुलेटरी ऑर्गन is found in male। तो चार पांच जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको ऑर्डर शिलोनिया के बारे में याद रखने हैं। एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस कर लिया टेस्टोडो के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया शिलोन के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया ट्राइगोइंग्स के बारे में। एक और एग्जाम्पल बचता है। अगर मैं एग्जाम्पल डिस्कस करना शुरू करूँ, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टेस्टोडो, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट शिलोन, इन सब के कॉमन नेम मैं मेंशन कर चुका हूँ। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्राइओइंग्स। अब तीन एग्जाम्पल तो ये होगा जो हमने हैबिटेट में डिस्कस कर लिए थे। एक और एग्जाम्पल याद रखना है बेटा, कैचुगा टेक्टम। इसकी जो शैल होती है वो सिंगल शैल होती है, वो रूफ के जैसे बन जाती है। इसकी शैल कुछ ऐसी होती है एक्चुअली, इट इज़ सिंपली लाइक द रूफ ऑफ अ हाउस। तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो रूफ टेक्टम कहते हैं इसको। इसका कॉमन नेम होता है रूफ्ड टेक्टम। इज दैट क्लियर? इन दिस पार्ट हियर आई विल ट्राई टू फिट अ डायग्राम ऑफ कछुआ टेक्टम, या फिर अभी मैं चारों के चारों का डायग्राम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा ताकि आपको इन सबको विजुलाइज करने में या आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। वैसे तो हमारे सिलेबस में इनका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, पर याद रखना जो ये कछुआ टेक्टम होता है, डेट्स अ टर्टल। इट्स वर्थ मेंशनिंग हियर कि भाई वो टेरापिन्स होता है, टर्टल होता है, या फिर आपका टॉर्टोइस होता है। तो कछुआ टेक्टम, द रूफ टर्टल और रूफ सिंपली कॉल्ड अ टेक्टम इज अ फोर्थ एग्जाम्पल हियर। ठीक है, अब शिलोन में एक चीज़ और, शिलोनिया में एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। लेट अस हैव सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन
टर्टल एंड टॉर्टोइज कि भाई टर्टल और टॉर्टोइज में क्या फ़र्क होता है, एक वो हम टेबल ऑफ बना लेते हैं, देन दिस ऑर्डर वुड बी कम्प्लीटेड। एक टेबल ऑफ बना लेते हैं, दो चार मैं ना कॉमन पॉइंट भी लिख दूंगा इनके बीच में कि भाई कौन सा वेजिटेशन के ऊपर फीड करता है, कौन सा कार्निवोरस होता है, इनके साइज के बारे में आई विल मैंशन टू और थ्री मोर पॉइंट। सो लेट अस मेक अ टेबल कंपेरिजन बिटवीन अ टर्टल एंड टॉर्टोइज, कंपेरिजन बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टोइज। सबसे पहला जो कंपेरिजन शुरू करेंगे वो इनके बॉडी साइज को लेके बात करेंगे, कौन सा बड़ा होता है, टर्टल इज लार्जर और टॉर्टोइज इज लार्जर। टॉर्टोइज बड़ा होता है साइज में देन टर्टल, तो जो साइज ऑफ टर्टल होता है दैट इज कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज, इट इज कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज। ऑन द अदर हैंड जो टॉर्टोइज होता है दैट इज लार्जर इन साइज। तो सबसे पहले तो आप ना साइज को देख के ही बता दोगे कौन सा टॉर्टोइज है कौन सा टर्टल है। इनके कैरापेस के बारे में भी बताऊंगा, किसका हार्ड शेप होता है किसका ओवल शेप होता है। तो जो पहला फीचर याद रखेंगे, टर्टल छोटे होते हैं साइज में जबकि जो टॉर्टोइज होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में। टर्टल का जो लाइफ स्टाइल होता है वो कम्प्लीटली एक्वेटिक होता है, मैराइन होता है, जबकि जो टॉर्टोइज होता है वो सेमी टेरेस्ट्रियल कहते हैं उसको, इट इज़ कम्प्लीटली एक्वेटिक और मैराइन, जबकि इसकी बात करें इट इज़ सेमी टेरेस्ट्रियल और आई कैन से इट इज़ फाउंड नियर फ्रेश वाटर, इट इज़ फाउंड नियर फ्रेश वाटर। ज़्यादा पानी वगैरह में नहीं जाते हैं टॉर्टोइज, आपने पढ़ी भी होगी ना बचपन में कहानी टॉर्टोइज की, तो टॉर्टोइज को हम सिंपली सेमी टेरेस्ट्रियल कह देते हैं, जबकि जो टर्टल होता है वो कम्प्लीटली एक्वेटिक इन लाइफस्टाइल होता है। अब अगर हम कैरापेस की बात करेंगे, जो टर्टल का कैरापेस होता है बच्चों वो हार्ट इन शेप होता है। आपने जब हार्ट का डायग्राम पढ़ा हो क्लास टेंथ में, तो हार्ट में एक कॉनिकल नॉच होती है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ उसका जो बेस होता है वो फ्लैट होता है। तो जो आपके पास टर्टल का कैरापेस है वो सिंपली हार्ट के जैसा है, हार्ट शेप कैरापेस इज प्रेजेंट टर्टल, हार्ट शेप्ड कैरापेस इज प्रेजेंट इन टर्टल। ऑन द अदर हैंड टॉर्टोइज का जो कैरापेस होता है वो ओवल शेप होता है, लाइक एन एग, इट इज हैविंग अ ओवल शेप्ड कैरापेस, ओवल शेप्ड कैरापेस। तो अगर जनरल अपीयरेंस की बात करें, सबसे पहले तो ये कि भाई ये मैराइन वाटर में ही मिलेगा, ये सेमी टेरेस्ट्रियल होता है या फ्रेश वाटर में मिलेगा, छोटा होता है साइज में डेट इज लार्ज इन साइज, इसका जो कैरापेस होता है वो हार्ड शेप होता है, इसका कैरापेस कैसा होगा ओवल शेप। अब ये पानी में रहता है तो इनके अंदर पैडल्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, टॉर्टोइज के अंदर पैडल्स वगैरह डेवलप नहीं होते हैं। जो दो नेक्स्ट फीचर पढ़ेंगे डेट इज़ जो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब होते हैं इन केस ऑफ टर्टल दे आर मॉडिफाइड इनटू पैडल्स, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू पैडल्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज पैडल्स, दीज पैडल्स हेल्प इन स्विमिंग, जबकि देर इज नो डेवलपमेंट ऑफ पैडल्स, देर इज नो डेवलपमेंट ऑफ पैडल्स इन केस ऑफ, देर इज नो डेवलपमेंट ऑफ पैडल्स इन केस ऑफ टॉर्टोइज। समझ में भी आता है कि भाई इनको स्विमिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती है तो इनको पैडल्स की जरूरत भी नहीं होगी। अब टर्टल जो मैदान रह रहा है उसको स्विमिंग की जरूरत होगी तो वो ही वुड बी हैविंग पैडल्स। फिर एक ना हेड विड्रॉन की बात करते हैं, जो टर्टल होता है उसका हेड पार्शली विड्रॉन हो जाता है शेल में, जबकि टॉर्टोइज का जो हेड होगा डेट वुड बी कम्प्लीटली विड्रॉन इन शेल। फॉर एग्जाम्पल सामने आपके ना टॉर्टोइज हैं और आप उसको पत्थर से मार रहे, तो जब भी कोई डेंजर वगैरह उसको फील होता है वो अपने हेड को कैपेस के नीचे रख लेता है, ठीक है। तो हेड पार्शली विड्रॉन इनटू शेल, जबकि यहां पे याद रख लेंगे हेड इज कंप्लीटली विड्रॉन
इनटू शेल। तो अगर आपके पास ओवल शेप कैनापेस है, हेड कम्प्लीटली विड्रॉ कर रहा है, पैडल्स वगैरह नहीं बने हैं, बड़ा सा है साइज में और टेरेस्ट्रियल लोकेशन पे मिल रहा है, तो वो टॉर्टोइज है, वो टर्टल वगैरह नहीं है। टॉर्टोइज का क्लासिकल एग्जाम्पल इज टेस्टुडो और टर्टल का क्लासिकल एग्जाम्पल इज शिलोन। टॉर्टोइज इज, इट्स वर्थ मैंशनिंग हेयर, इट इज टेस्टुडो और टर्टल इज, इट इज वर्थ मैंशनिंग हेयर एज वेल, इट इज शिलोन। ये तो होगा सिमिलर डिफरेंसेस। अब थोड़ा सिमिलरिटीज के बारे में सुन लो, थोड़ा सा आप सुने इन द सिमिलर अबाउट द सिमिलरिटीज। दोनों जो टॉर्टोइज होते हैं, जो टर्टल होते हैं, बोथ ऑफ देम फीड ऑन वेजिटेशन। बोथ टॉर्टोइज एंड टर्टल फीड ऑन वेजिटेशन, बट सर्टेन टर्टल्स आर आल्सो फ्लैश ईटर। बोथ टॉर्टोइज एंड टर्टल फीड ऑन वेजिटेशन, बट सेवरल टर्टल्स आर फ्लैश ईटर एज वेल। ठीक है बेटा। अच्छा, अब फिर लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं। हम ना टर्टल को मानते हैं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट ऑन दिस अर्थ, मतलब वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, नॉट द लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। जो आपके पास जाइंट टॉर्टोइज होता है, जो जाइंट टॉर्टोइज होता है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो मोर देन 180 ईयर होता है। तो आप ये भी स्टेटमेंट याद रखेंगे कि जो जाइंट टॉर्टोइज है उनका जो वेट होता है वो 600 kg के करीब होता है, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट, लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म और लेट्स से वर्टिब्रेट, एंड दे कैन लिव मोर देन 180 ईयर। सो जाइंट टॉर्टोइज, जाइंट टॉर्टोइज, ये एक फीचर में लिख रहा हूँ, जाइंट टॉर्टोइज वे अप्रॉक्स 600 kg एंड कैन सर्वाइव मोर देन 180 ईयर्स। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग वर्टिब्रेट इज, अगर ऑप्शन टॉर्टोइज है तो प्लीज़ उसके बारे में सोचना, बाकी भी देख लेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन है। तो टॉर्टोइज, जाइंट टॉर्टोइज इज कंसिडर टू बी द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, ये हो गया ऑर्डर शिलोन के बारे में, ये हो गया ऑर्डर शिलोन के बारे में। फिर ऐसे मेंबर जिनके पास टेम्पोरल वैक्यूटीज नहीं होती है, कल मैंने आपको बताया था सिमोलिया के बारे में, यस सर बताया था, वो कनेक्टिंग लिंक था बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, और स्टेम रेप्टाइल और कोटिलोसॉर, दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव और फर्स्ट रेप्टाइल ऑन दिस अर्थ, इसके बारे में कल हमारी बात हुई थी। अब जो कोटिलोसॉर होते हैं उनको एक ऑर्डर में रखा गया, कोटिलोसॉरिया, वो भी एनेप्सिडा में आता है। तो मैं ज़्यादा डिटेल ना मेंशन करके एक बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ कि जो ऑर्डर कोटिलोसॉरिया होता है उसके अंदर स्टेम रेप्टाइल्स या कोटिलोसॉर आते हैं। एनेप्सिडा में एक और ऑर्डर, ऑर्डर कोटिलोसॉरिया, इसके अंदर आते हैं आपके स्टेम रेप्टाइल्स, या कहो उनको कोटिलोसॉर, और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल होता है बेटा सीमोरिया, एंड सीमोरिया इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर कौन सा कनेक्टिंग लिंक है, तो आप आंसर करेंगे सीमोरिया के बारे में। ठीक है, ये हो गया अबाउट एनेप्सिडा। सो एनेप्सिडा में उन एनिमल को रखा है जिनके पास टेम्पोरल फोसा नहीं होते हैं। मेजर एक ऑर्डर है वो है शिलोनिया, उसमें आते हैं टर्टल्स, टॉर्टोइज या टेरापीन्स। टर्टल्स और टॉर्टोइज के बीच में कंपेरिजन याद रख लेंगे, कैरापेस याद रखेंगे, प्लेस्ट्रोन याद रखेंगे, देन टीथ वगैरह जो डेवलपमेंट होता है वो याद रख लेंगे। आई वी डन अप टू हियर, नेक्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर आपने कौन सा पढ़ा था? नेक्स्ट ऑर्डर आपने पढ़ा था कि भाई रिंकोसिफेली, पहले नेक्स्ट सब क्लास आपने पढ़ा था डायप्सिडा, और डायप्सिडा वो था जिसके पास टू पेयर ऑफ टेम्पोरल फोसा थे, उसके अंदर रिंकोसिफेलिया, स्क्वामेटा एंड क्रोकोडिलिया,
और स्क्वामेटा के अंदर दो सब ऑर्डर पड़े थे, लेसर टीलिया एंड ओफिडिया। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट द जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिंकोसिफालिया, ठीक है, जिसके अंदर स्फिनोडोन आता है, राइट। लेट स्टार्ट डेट। आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे मैं कोई एग्जाम्पल बताता जा रहा हूँ, बोर्ड पे कुछ जगह छोड़ के उसका ना फोटो ऐड कर दूंगा, एंड देन वी विल लर्निंग के फोटो वगैरह वीडियो के साथ कोऑर्डिनेट हो पाता या नहीं हो पाता, बट आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट टू कोऑर्डिनेट द थिंग प्रॉपरली, राइट। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट सेकेंड सब क्लास विच इज क्लास डायप्सिडा, और उसका ऑर्डर पढ़ेंगे रिंकोसिफेलिया। तो सब क्लास डायप्सिडा वो होते हैं जिनके पास टू पेयर ऑफ टेम्पोरल फोसा होते हैं। फोसा का मतलब होता है इंडेंट, गड्ढा। इन टेम्पोरल फोसा से टेम्पोरल बोन अटैच हो जाती है। इसके अंदर जो सबसे पहला ऑर्डर हम पढ़ने वाले हैं, डेट इज ऑर्डर रिंकोसिफेलिया। ज़्यादातर मेंबर इस ऑर्डर के एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ज़्यादातर मेंबर इस ऑर्डर के एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और जो अकेला RHYNCO रिंकोसिफेलिया, और जो अकेला मेंबर लिविंग है वो है स्फिनोडोन। सो फीचर्स पढ़ने शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ मेंबर्स आर एक्सटिंक्ट, राइट। द ओनली मेंबर विच इज लिविंग नाउ ए डेज दैट इज स्फिनोडोन पंक्टेटम, ओनली स्फिनोडोन पंक्टेटम इज लिविंग मेंबर। इसको ना लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। इसके अंदर कोई इवोल्यूशनरी चेंजेस वगैरह नहीं आए हैं, तो इसको लिविंग फॉसिल भी कंसिडर्ड कर देते हैं। एंड इट इज़ फाउंड इन न्यूजीलैंड, इट इज़ कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल। व्हाई लिविंग फॉसिल? क्योंकि इसके अंदर कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं आए हैं, एंड इट इज़ फाउंड इन न्यूजीलैंड। अब इस वाले एरिया में ना आपको मैं एक फ़ोटो ऐड कर दूंगा, तो वो साथ साथ भी हाईलाइट होता रहेगा, और इधर मैं करेक्टर्स पढ़ाता चला जाऊँगा, ठीक है। इन दैट एरिया विल बी एडिंग फोटो, एंड हेयर आई विल बी एडिंग करेक्टर। इट इज़ फाउंड इन न्यूजीलैंड, राइट। द फोटो इज विजिबल देयर, ऑल राइट। देखो, आपको फोटोग्राफ वगैरह ऐसा नहीं कि बनाने को कहीं आएगा, इट इज जस्ट लाइक कि आप देख के पहचान सको कि भाई कौन सा आपका सलेमेंडर है, कौन सा आपका स्फिनोडोन है, कौन सा आपका लिजर्ड है, एंड सो ऑन। शुरुआत करते हैं इनकी बॉडी से। इनका जो बॉडी होता है वो लिजर्ड लाइक होता है एंड स्मॉल इन साइज होता है। बॉडी इज स्मॉल एंड लिजर्ड लाइक, राइट। देख के पता भी चल रहा होगा, देख के आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि इसका जो बॉडी है वो समवाट लिजर्ड लाइक होता है। अगर आप इसकी टेल को देखोगे, इसकी जो टेल होती है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है। टेल इज लेटरली कंप्रेस्ड। तो इस स्फिनोडोन के अगर फीचर में बताना शुरू करूँ, उसका जो बॉडी होता है वो लिजर्ड लाइक होता है, उसका जो टेल होता है वो लेटरली कंप्रेस्ड होता है, उसके अंदर एक फंक्शनल थर्ड आई और पीनियल आई भी प्रेजेंट होती है। अ फंक्शनल, दिस स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट, सो लेट अस राइट इट विद रेड कलर। अ फंक्शनल पीनियल आई और थर्ड आई इज प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। देन फोर्थ, अगर इनके करेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करें, इनके जो टीथ होते हैं, मैंने मेंशन किया था शायद आपको, टीथ एक्रोडोंट होते हैं। वैसे तो रेप्टाइल्स के जो वर्टिब्रे होते हैं वो प्रोसीलस होते हैं, मगर स्फिनोडोन एक एग्जांपल हो, इसके अंदर एम्फीसीलस वर्टिब्रे होते हैं। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, टीथ इज एक्रोडोंट, वर्टिब्रे इज
एम्फिसीलस, इज दैट क्लियर? देन स्फिनोडोन के बारे में और क्या बात बताया जाए आपको, इनके पास कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 100 ईयर के आसपास होता है। नो कोपुलेटरी ऑर्गन, नो कोपुलेटरी ऑर्गन एंड दे कैन सर्वाइव अप टू 100 ईयर्स, दे कैन सर्वाइव अप टू 100 ईयर्स, इवोल्यूशन चेंज वगैरह नहीं होता इनके अंदर ज़्यादा। तो जो सबसे पहला पढ़ा आपने, पहला जो ऑर्डर है इन सब क्लास डायप्साइडा वो है रिंकोसिफेलिया। रिंकोसिफेलिया के ज़्यादातर मेंबर एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो अकेला मेंबर है डेट इज़ यूअर स्फिनोडोन पंक्टेटम। स्फिनोडोन पंक्टेटम जो है वो न्यूजीलैंड में मिलता है और एक तरह से न्यूजीलैंड के अंदर एक लॉ है कि आप इसको हंट नहीं कर सकते बिकॉज एक्सटिंक्ट होने वाला है ये भी। लिविंग फॉसिल कहते हैं, स्मॉल बॉडी होता है, लिजर्ड लाइक, लिटरली कंप्लीट टेल होती है, अब फंक्शनल थर्ड आई और पीनियल आई इज प्रेजेंट, एक्रोडोन टीथ होते हैं, वर्टिब्रे एम्फिसिलस होते हैं, उनके पास कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, उनका जो लाइफ स्पैन है डेट इज़ अबाउट 100 ईयर। ठीक है बच्चों, ये याद रख लेना पहले वाले ऑर्डर के बारे में। अब शुरू करेंगे सबसे बड़े ऑर्डर के बारे में, डेट इज़ ऑर्डर स्क्वामेटा। अब शुरू करते हैं द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ रेप्टाइल्स, डेट इज़ ऑर्डर स्क्वामेटा। और स्क्वामेटा के अंदर आते हैं बच्चे सारे के सारे स्नेक्स और सारे के सारे लिजर्ड। और स्नेक्स और लिजर्ड को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो ये ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा होने ही वाला है। अगेन वाला पार्ट ऑफ बोर्ड जो है डेट इज़ फॉर फोटोग्राफ पर्पस, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको दे देंगे फोटोग्राफ को, अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है, अभी तो जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने हैं। तो सेकेंड इज़ ऑर्डर स्क्वामेटा, और स्क्वामेटा इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स ऑल द लिजर्ड एंड स्नेक्स, जितने भी लिजर्ड और स्नेक्स हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं ऑर्डर स्क्वामेटा में। तो पहले स्क्वामेटा के बारे में दो चार बातें लिख लेते हैं। स्क्वामेटा लार्जेस्ट ऑर्डर होता है। स्क्वामेटा के जो मेंबर होते हैं अगर उनके पास लिम्स प्रेजेंट है, जो हम लिजर्ड का केस पढ़ रहे हैं लिम्स के अंदर क्लॉज होते हैं, स्नेक्स वगैरह में लिम्स नहीं होते हैं, कुछ लिजर्ड भी होंगे जिनके अंदर स्नेक्स लिम्ब वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। देन उनके जो टीथ होते हैं वो मैंने बताया था प्लियोडोंट होते हैं, टीथ इज़ प्लियोडोंट इन नेचर। सेकेंड वन, उनका जो वर्टिब्रा होता है वो प्रोसिलस होता है, शेल वगैरह नहीं होती है उनके बॉडी के ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, वो स्केल्स कैसे हैं, एपिडर्मल स्केल। एंड लास्ट पॉइंट बट इट इज़ वर्थ मैंशनिंग हियर, उनके पास कोपुलेटरी ऑर्गन पेयर्ड होता है जिसको हेमिपेनस कहते हैं। तो मैं एक एक करके चार पांच लाइन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको लेसर टीलिया के बारे में बता दूंगा। सो लार्जेस्ट ऑर्डर इंक्लूडिंग लिजर्ड एंड स्नेक्स, लिम्स व्हेन प्रेजेंट बियर क्लॉज। इट्स वर्थ मेंशनिंग हियर लिम्स आर एब्सेंट इन स्नेक्स, या मैं ये लिखूं लिम्स गेट डिसअपियर्ड, स्नेक्स के भी जो एंसेस्टर थे वो लिम्स वाले थे, लिम्स गेट डिसअपियर्ड। अच्छा ये थ्योरी ना लेमार्क का थ्योरी जब आप पढ़ोगे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का, तो यहाँ से कंसेप्ट आ जाता है कि स्नेक्स के लिम्स क्यों नहीं होते हैं। इन स्नेक्स एंड फ्यू लिजर्ड, ठीक है भाई। एक और इन मेंबर्स का जो स्क्वामेटा के मेंबर्स, उनका फीचर टीथ के बारे में मैं बता रहा था, टीथ कैसे होते हैं, प्लियोडोंट टीथ। देन आप याद रखेंगे इनके बारे में प्रोसिलस वर्टिब्रा, जो हमने रेप्टाइल्स के बारे में भी पढ़ा था क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्डर है तो इसी का हमने रिप्रेजेंट कर दिया था वहाँ पर, राइट। एंड स्केल्स कैसे होते हैं, एपिडर्मल स्केल। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि शेडिंग ऑफ स्केल भी प्रेजेंट होता है, स्केल कास्टिंग और स्किन कास्टिंग आल्सो अकर इन केस ऑफ स्क्वामेटा। तो बताया था कि जो आपके लिजर्ड वगैरह होते हैं, स्नेक्स वगैरह होते हैं, वो टाइम टाइम पर अपने स्केल्स को शेड ऑफ करते जाते हैं। देन हेमिपेनिस और
टू हेमिपेनिस, टू हेमिपेनिस आर प्रेजेंट फॉर कॉपुलेशन। ठीक है, ये होगा जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्क्वेमेटा के बारे में। देन शुरुआत करते हैं, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब ऑर्डर लेसर्टीलिया या लिजर्ड के कुछ एग्जाम्पल, 7-8-9 एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, और अगर टाइम रहा तो हम स्नेक शुरू करेंगे, अदरवाइज हम लिजर्ड वगैरह को भी पढ़ते चले जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द सब ऑर्डर लेसर्टीलिया नाउ, लेट अस स्टार्ट विद सब ऑर्डर लेसर्टीलिया नाउ। आप लोगों ने ये नोट कर ही लिया होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साथ साथ आप जो है अपने नोट्स वगैरह बनाते रहें, एंड आई होप के आपका जो लेक्चर है वो साथ साथ ही चल रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कोई बच्चा जिसके लेक्चर्स पेंडिंग हैं, ये आदत ना रखें आप कि अपने काम को पेंडिंग रखें, टाइम टू टाइम अपना काम पूरा करते चले जाएं। तो सब ऑर्डर लेसर्टीलिया, और लेसर्टीलिया और बच्चे लेसर्टीलिया के अंदर आते हैं लिजर्ड्स, लेसर्टीलिया के अंदर आते हैं सारे के सारे लिजर्ड्स। तो शुरू करें स्टडी ऑफ लिजर्ड। देखो एक वर्ड होगा ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी कहेंगे स्टडी ऑफ स्नेक्स को, और एक वर्ड होता है सॉरोलॉजी, सॉरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजर्ड। सॉरस जो वर्ड आ जाएगा तो समझ जाना कुछ लिजर्ड की बात हो रही है। सॉरोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिजर्ड। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेसर्टीलिया के या लिजर्ड्स वगैरह के क्या क्या जनरल फीचर्स होते हैं, और उसके बाद वन बाय वन एग्जांपल लिखते चले जाएंगे। पहला फीचर याद रखना लिजर्ड का, जो गिर्डल है वो वेल डेवलप्ड होते हैं, लिम्स पेंटाडेक्टाइल होते हैं। तो फर्स्ट फीचर गिर्डल, गिर्डल समझ गए, पेक्टोरल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल एंड पेंटाडेक्टाइल लिम्स, गिर्डल एंड पेंटाडेक्टाइल, पेंटाडेक्टाइल लिम्स आर वेल डेवलप्ड, आर वेल डेवलप्ड। वर्थ मेंशनिंग है क्योंकि जो सेकंड पढ़ेंगे ऑफ योर आइडिया उसके अंदर तो भाई आपके गिर्डल्स वगैरह डेवलप के करने की जरूरत ही नहीं है, स्नेक्स में तो लिम्स वगैरह होते ही नहीं है। तो लेसर्टीलिया और ऑफिडिया को आप ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ऑफिडिया के अंदर गिर्डल या फिर आपके लिम्स वगैरह नहीं होते हैं, और जो लिजर्ड होते हैं तो उनके पास लिम्स हैं। याद रख के चलेंगे, मैं आपको ग्लास स्नेक का एग्जांपल भी बताने वाला हूँ, लिम्बलेस लिजर्ड वाला, जिनके पास लिम्स हैं उनके लिम्स पेंटाडेक्टाइल होते हैं, पेंटाडेक्टाइल के साथ साथ उनके पास क्लॉज होते हैं, जैसे आपके पास नेल्स हैं उनके पास क्लॉज होते हैं। अब पढ़ते हैं आईलिड्स के बारे में, जो लिजर्ड की आईलिड होती है वो मूवेबल होती है, और उनके पास निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। स्नेक वगैरह में आईलिड मूवेबल नहीं होती है। सेकंड, आईलिड्स आर मूवेबल एंड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज वेल डेवलप्ड। ठीक है भाई, लिजर्ड वगैरह ऑटोटॉमी भी करते हैं। इफ यू डू रिमेंबर, ऑटोटॉमी के बारे में आपको बताया था कि वो ना वॉलंटरली अपनी टेल को कट ऑफ कर देते हैं, और वॉलंटरली कटिंग ऑफ टेल इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द प्रे इज नोन एज ऑटोटॉमी। तो जो लिजर्ड है वो ऑटोटॉमी शो करते हैं, उनके पास ऑटोटॉमी वगैरह नहीं होता, स्नेक के पास ऑटोटॉमी वगैरह नहीं होता। ऑटोटॉमी मेंशन करने से पहले मैंने आपको बताया था कि भाई एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, एक तो ना कुछ मैं एनसीईआरटी की चीज़ें जो मेंशन है और उसको कॉन्ट्राडिक्शन जहाँ पर है वो मेंशन करता हूँ, फिर भी बच्चे बार बार वही डाउट पूछते रहते हैं, लगता है कि लेक्चर वगैरह देखते ही नहीं है ध्यान से, और देखते हैं तो वो ये याद नहीं करते कि सर ने क्या बताया था, वो डाउट ऐसे ही भेजते हैं कि सर आपने तो ये बताया था। अरे भाई एनसीईआरटी में जो लिखा है उसका मतलब ये है, ये भी तो बताया था। अब जैसे रेप्टाइल्स में एनसीईआरटी लिखेगा कि उनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होगा, टिम्पैनम नहीं प्रेजेंट द एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, पर लिजर्ड के पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट होता है, मिडिल ईयर एब्सेंट होता है स्नेक्स में, पर लिजर्ड के पास मिडिल ईयर भी होता है। तो अगर मैं बोलूँ ऑडिटरी अपर्चर, ऑडिटरी अपर्चर का मतलब समझते हैं एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एज वेल एज टिम्पैनम, बोथ आर प्रेजेंट।
ऑडिटरी अपर्चर एंड टिम्पेनम आर प्रेजेंट इन लिजर्ड. ऑडिटरी अपर्चर एंड टिम्पेनम आर प्रेजेंट इन लिजर्ड्स. ठीक है बेटा, तो पहला फीचर याद रखेंगे लिजर्ड्स का, पेंटाडेक्टाइल लिंब होते हैं, गिर्डल वेल डेवलप होते हैं, आईलिड मूवेबल होती है, और ऑडिटरी रेपरेचर एंड टिम्पेनम दोनों प्रेजेंट होते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टेल कटिंग की बात कर लेते हैं. ऑटोटोमी होते हैं, स्नेक का ना एक लंग डेवलप होता है, एक लंग डेवलप नहीं होता है. लिजर्ड के पास दोनों लंग्स वेल डेवलप होते हैं. सो बोथ लंग्स आर वेल डेवलप्ड, देन दे एग्जिबिट ऑटोटोमी. ऑटोटोमी का मतलब बताया था वॉलंटरी कटिंग ऑफ टेल, और जो नया टेल आता है उसके अंदर कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर कॉडल वर्टिब्रा नहीं होते हैं. आई रिपीट, जब एक बार लिजर्ड अपने टेल को कट ऑफ कर देता है, उसके पास जो नया टेल आता है उस नए टेल में कॉडल वर्टिब्रा नहीं होते हैं, उस नए टेल में सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. एंड देर इज नो फन इन टेलिंग एक फोरामेन बता रहे इन द हार्ट ऑफ लिजर्ड, फोरामेन ऑफ पेनिजे. फोरामेन ऑफ पेनिजे इज प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ, हार्ट को पता नहीं ऐसे क्यों बनाते हैं, हार्ट का शेप एक्चुअली, हार्ट ना नीचे से कॉनिकल होता है, ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट होता है, इसलिए बना देते हैं, अदरवाइज हार्ट तो कुछ ऐसा होना चाहिए था, राइट. एनीवेज, इन हार्ट ऑफ लिजर्ड. और ये जो फोरामेन होता है ये कहाँ होता है, बिटवीन द एट्रियाज होता है. तो ये पांच ही फीचर याद रख लेंगे पहले लिजर्ड के बारे में, फिर हम शुरू करने वाले हैं वन बाय वन एग्जाम्पल्स ऑफ लिजर्ड. अब हम बोर्ड को ना आधा आधा बांट लेंगे, एक तरफ फोटो और एक तरफ उसके करेक्टरिस्टिक फीचर. 7, 8, 9 लिजर्ड के बारे में तो आपको एटलीस्ट कॉमन नेम उनके याद रखने हैं, 7, 8, 9 लिजर्ड के कॉमन नेम याद रखने. मैं एक दो कोशिश करूंगा उनके ना फीचर भी बताता चला जाऊं, हेमिडक्टाइलस के फीचर, मतलब हर एक लिजर्ड के कुछ ना कुछ फीचर बताता चला जाऊं, ये मैं कोशिश करूंगा. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स ऑफ लिजर्ड नाउ. और आज के लेक्चर में आई गेस हम एग्जाम्पल ऑफ लिजर्ड ही कवर कर पाएंगे, तो स्नेक और क्रोकोडाइल का एक और लेक्चर बनाना पड़ेगा हमें इसके बाद, आई फील सो. एक बोनी फिश का लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया, तो बच्चे हैं तो कमेंट ही कर दिया यूट्यूब पर कि सब लेक्चर अच्छा है, बहुत लेंदी है. कोई बात नहीं, लेंदी है तो उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, और ये आपको फ़ायदा ही देगा बेटा. पढ़ाई तो कुछ ऐसा है कि जितना पढ़ोगे उतना ही सीखोगे. एग्जाम्पल्स ऑफ लेसरटेलिया और लिजर्ड. और पहला एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे हेमिडक्टाइलस के बारे में. फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हेमिडक्टाइलस. आई गेस सब फेमिलर होंगे हेमिडक्टाइलस से, तो आई गेस हेमिडक्टाइलस से तो सब फेमिलर होंगे. यू नो विच इज यूअर कॉमन वॉल लिजर्ड, जीको भी कहते हैं उसको, अपनी वॉल पे नहीं है, कॉमन वॉल लिजर्ड. लिजर्ड शुड बी प्रोनाउंस, वाई आई कॉलिंग डेट लिजर्ड, इट्स लिजर्ड राइट. और ये जो ये वाला एरिया डेट इज फॉर हेमिडक्टाइलस, अभी हम फोटोज में ऐड कर देंगे. सो कॉमन वॉल लिजर्ड और जीकोज, डेट इज द अदर नेम ऑफ हेमिडक्टाइलस, डेट इज द अदर नेम ऑफ हेमिडक्टाइलस. दो चार फीचर पढ़ लें हेमिडक्टाइलस के. सबसे पहले ऑटोटोमी याद रखेंगे, टेल कट जाता है तो दोबारा आ भी जाता है, तो गुड पावर ऑफ रिजनरेशन याद रख लेंगे. रात के टाइम ज़्यादा एक्टिव होती है, नॉक्टर्नल याद रख लेंगे. इट शोज ऑटोटोमी, कभी हंट करके देखना, जो कटी हुई टेल है वो वापस आ जाएगी. गुड पावर ऑफ रिजनरेशन एंड दे आर मोर एक्टिव एट नाइट, सो वी कॉल दैट दीज आर नॉक्टर्नल इन नेचर, दीज आर नॉक्टर्नल इन नेचर.
अब अगर आपके दिमाग में आए सर ये सीलिंग्स वगैरह के ऊपर चलती नहीं रहती है, ये गिरती क्यों नहीं है, इनके पास इनके जो लेग्स होते हैं उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होता है, कुछ एडहेसिव पैड्स हैं, कुछ कुशंस हैं जो इनको स्टिक करने में हेल्प करती है। आंसर इज यस। आप याद रखेंगे ईच फिंगर एंड टो, चाहे उसके हाथ वाले पेंटाडेक्टाइल लिम्ब की बात कर रहा हूँ मैं या पैरों वाले पेंटाडेक्टाइल लिम्ब की बात कर रहा हूँ, ईच फिंगर एंड टो डायलेट इनटू टू रोज। फॉर एग्जांपल ये उसके फिंगर्स है ऐसे करके राइट, और इसके ऊपर क्लॉज है। जो वेंट्रल साइड होता है जो नीचे की तरफ होगा उसके ऊपर ना एडहेसिव पैड्स आ जाते हैं, उसके ऊपर एडहेसिव पैड्स आ जाते हैं। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, ईच फिंगर एंड टोज डायलेट्स इनटू टू रोज, दो अलग अलग रो के अंदर डायलेट हो जाएगा। लेट्स सी इट इज लाइक दिस, ठीक तो बनाया था। ईच फिंगर एंड टोज दे डायलेट इनटू टू रोज, और डायलेशन के बाद ये जो ये स्ट्रक्चर बनी है बेटा इनको बोलते हैं रिज्ड लैमिला। तो उनके हाथ ऐसा ना होकर इट वुड बी डायलेटिंग समथिंग लाइक दिस, और ये डायलेटेड पार्ट इनको क्या बोल रहे हैं लैमिला। सो ईच फिंगर एंड टोज डायलेट्स इनटू टू रोज कॉल्ड एज रिज लैमिला, एंड ऑन द वेंट्रल साइड दे आर हैविंग एडिसिव पैड्स, ऑन द वेंट्रल साइड दे आर हैविंग एडिसिव पैड्स। तो एक स्टेटमेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईच फिंगर एंड टोज डायलेट्स इनटू टू रोज फॉर्मिंग रिज्ड लैमिला टू डेवलप एडहेसिव पैड्स या कुशन भी कहते हैं उनको ऑन वेंट्रल साइड। तो अगली बार जब भी कोई पूछे आपसे कि छिपकली सीलिंग के ऊपर चल रही है या बेड के ऊपर लेटे हुए ये गिर सकती है, नहीं गिरती है, क्यों, क्योंकि जो वेंट्रल साइड होगा जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब का, वहाँ पर एडहेसिव पैड्स होते हैं, उनको एडहेसिव कुशंस भी कहते हैं, और उनको ना शिफ्ट रनिंग में आपने देखो बहुत तेज भागती रहती है, तो वो स्टिकनेस में और उनको भागने के अंदर उनको रनिंग में हेल्प करते हैं एडिसिव पैड्स। तो आप सिर्फ अभी ये याद रख लेना हेमिडक्टाइलस के जो वेंट्रल सरफेस ऑफ फिंगर एंड टोज होता है वहाँ पर एडहेसिव पैड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो पैड होते हैं ये काम करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम, दीज पैड दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम एंड दे अनेबल द एनिमल टू स्टिक ऑन द वॉल। तो दीज पैड they act on principle of vacuum, तो vacuum के principle पे काम करते हैं, due to that वो stick हो जाते हैं to the wall और ये इनको detach होने नहीं देते, जितने भी ceiling होते हैं smooth surface होते हैं उसके पास आराम से ये adhesive हो जाते हैं। जो hemiductilus होती है उससे आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं होती है, वो poisonous नहीं होती है, और वो एक चेक रखती है आपके घर में इंसेक्ट्स वगैरह पर, वो जितने भी मॉस्किटो वगैरह उनको खा लेती है, सो इट इज़ नॉट पॉइजनस एंड इट कीप ए चेक ऑन द इंसेक्ट, इट इज़ नॉट पॉइजनस एंड कीप अ चेक ऑन इंसेक्ट्स। तो दिस हेयर इज हेमिडक्टाइलस कॉमनली नोन एज वॉल लिज़र्ड और ज़िको, ऑटोटॉमी करती है, गुड पावर ऑफ रीजनरेशन है, नॉक्टर्नल है, जो फिंगर और टोज है उनके ऊपर एडहेसिव पैड्स डेवलप हो जाते हैं जो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम काम करते हैं, नॉन पॉइजनस होती है, और इसकी लंबी सी ज़बान है, जब इसका मन वगैरह करता है तो ये मॉस्किटो वगैरह को कैच कर लेती है, ठीक है बेटा। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, नाउ लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल नंबर टू। ऑलराइट, ओके, लेट मी क्लीन दिस अप। Example number two we are going to discuss is calots. Let us discuss about calots. Any idea, any guesses what is the common name of calots?
देखो इसको ब्लड शकर कहते हैं, जबकि ब्लड शक नहीं करता, इसका हेड गुस्से में लाल हो जाता है इसलिए ब्लड शकर कहते हैं। तो इट इज गिरगिट, नहीं पहले मैं लिखूंगा ब्लड शकर, देन आई विल मेंशन गार्डन लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड, और थर्ड नेम होता है इसका गिरगिट। तो गिरगिट के बारे में अगर बात करें तो गिरगिट इज द अदर नेम ऑफ कैलॉट्स, ठीक है, कैलॉट्स इज ओके प्रोनाउंसिएशन। नाउ अब इसके फीचर की बात करते हैं। पहला फीचर, ये आर्बोरियल रहता है, ये पेड़ों वगैरह पे खूब मिलता है आपको। तो ऐसे एनिमल जो पेड़ों पे रहते हैं उनको आर्बोरियल कहते हैं। जब ये एक्साइट होता है, इसको गुस्सा वगैरह आया, इट इज़ इन फन, व्हेन वो एक्साइटेड, इसका जो हेड है वो, इसका जो नेक है वो टर्न हो जाता है लाल, वो एकदम लाल हो जाता है, इसलिए इसको ब्लड शकर कहते हैं। और जिसको ट्रंक है वो हो जाता है पेल येलो। सो दो, पहला पॉइंट इट इज आर्बोरियल, सेकेंड पॉइंट whenever excited head and neck turns red in color, इसीलिए इसका नाम ब्लड शकर आया है। whereas जो ट्रंक है it become pale yellow, रंग बदलता रहता है, और जो लोग रंग बदलते रहते हैं उसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, रंग बदलू। ओके, गिरगिट वगैरह बोल देते हैं ना कई बार फ्रेंड्स वगैरह को भी। अच्छा, ये जो एक फीचर होता है कि कुछ एनिमल अपने बॉडी का जो कलर है वो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग चेंज करते रहते हैं, उसको कमाउफ्लेज कहते हैं। दिस कैलॉट्स और गिरगिट इज़ हैविंग ए प्रॉपर्टी टू चेंज इट्स बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। तो आई कैन से इट शोज कमाउफ्लेज, इट कैन चेंज can change its body color according to surroundings। इस फीचर को बोलते हैं बेटा कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज वो है कि जब कोई एनिमल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बॉडी का कलर सराउंडिंग के जैसा कर दे, उसको कमाउफ्लेज कहते हैं। जो कलर चेंज करने वाला प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं मेटाक्रोसिस। और जो क्रिप्सिस होता है, क्रिप्सिस का एक टाइप होता है कमाउफ्लेज। अगर एनिमल अपने आप को चेंज कर रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑब्जर्वेशन एंड डिटेक्शन, तो उसको क्राइप्सिस कहते हैं। तो क्राइप्सिस का एक टाइप होता है कमाउफ्लेज, और कमाउफ्लेज इज जब बॉडी कलर सराउंडिंग के जैसा हो जाता है। कभी बाद में मैं तीनों टर्म एक्सप्लेन कर दूंगा एक्चुअली। राइट, सो कैलॉट्स आर्बोरियल होता है, कैलॉट्स जो है वो आपका ब्लड शकर क्यों कहता है, आई टोल्ड यू दिस थिंग, और उसका जो कलर होता है वो सराउंडिंग के जैसा होता है। एक और चीज़ याद रख लेना कि जो इनके मेल होते हैं वो एक बहुत ही पेक्यूलियर करेक्टरिस्टिक कोर्टशिप डांस करते हैं फीमेल के सामने, इन ऑर्डर टू, इट्स लाइक दे आर प्रपोजिंग देम फॉर ब्रीडिंग एंड कॉपुलेशन। तो अगर आपने देखा होगा ना, वो पीकॉक वगैरह में करते हैं, दे यूज टू डांस व्हेन उनका ब्रीडिंग सेशन आता है। सिमिलरली इनके अंदर भी कोर्टशिप होती है, तो जो मेल होते हैं दे परफॉर्म ए पेक्यूलर कोर्टशिप डांस बिफोर द फीमेल। मेल परफॉर्म अ पेक्यूलर माने करेक्टरिस्टिक कोर्टशिप डांस अगेंस्ट और बिफोर फीमेल। बिफोर का मतलब पहले नहीं होगा यहाँ पर, बिफोर का मतलब होगा सामने, राइट। तो कैलॉट्स के बारे में तो बच्चों यही याद रख लेना कि भाई उनका जो कमाउफ्लेज कर लेते हैं, कोर्टशिप डांस करते हैं, और क्यों उनको ब्लड शकर कहते हैं। और यहाँ से पे आपको नज़र आ ही रहा है तब से, जो ये साहब है ये कौन है, डैट इज़ कैलॉट्स, ठीक है बेटा। कैमिलियन के बारे में पढ़ लें। अच्छा, गिरगिट कैमिलियन नहीं होता है, कैलॉट्स इज गिरगिट, कैलॉट्स इज गिरगिट, कैमिलियन को कॉमनली कहते हैं ट्री लिजर्ड। कैमिलियन थर्ड एग्जाम्पल, यस एग्जाम्पल नंबर 3। हाउ मेनी आई प्रोमिस यू टू टेल, 8 or 9? आई प्रोमिस 3 ओनली आई गेस। लेट जितने याद आते हैं आई विल बी मैंशनिंग, जितने आपको ज़रूरत है उतने मुझे याद आते रहेंगे। थर्ड इज कैमिलियन, एक काई मेरा पढ़ा था अगर आपको याद हो, फिशेज के अंदर
द घोस्ट फिश. अब कैमेलियन को पढ़ते हैं. कैमेलियन इज कॉमनली नोन एज ट्री लिजर्ड. कैमेलियन इज कॉमनली नोन एज ट्री लिजर्ड. हमारा मिसकंसेप्ट, देखो कुछ लोग इसको भी गिरगिट कह देते हैं, पर गिरगिट इज द टर्म फॉर कैलॉट्स अगर मैं थियोरेटिकली बात करूँ. अब जो कैमेलियन है ट्री लिजर्ड है क्योंकि ये आर्बोरियल होती है. इसकी जो टंग होती है डेट इज़ वेरी लॉन्ग एंड इट इज़ यूज टू कैप्चर द प्रे. तो इट इज़ आर्बोरियल. फोटो आ गया होगा सामने आपके, तो आप पहचान सकते हैं. लॉन्ग टंग यूज्ड टू कैप्चर द प्रे. अब जो तीसरा फीचर मैं बताने जा रहा हूँ डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं एंड द फीचर इज अबाउट इट्स टेल. इसकी जो टेल होती है वो प्रीहेंसाइल होती है. प्रीहेंसाइल का मतलब बताया था दोज विच आर हैविंग ए पावर ऑफ ग्रेस्पिंग. तो टेल इज लॉन्ग एंड प्रीहेंसाइल. अ प्रीहेंसाइल टेल इज फाउंड इन कैमेलियन. प्लीज ऐसा याद रख के चलेंगे. ठीक है बेटा, तो आर्बोरियल है, लंबा सा टंग है जो कैप्चर करने में हेल्प करता है प्रे को. प्रे प्रीहेंसाइल होती है. कैमेलियन के अंदर भी एबिलिटी होती है टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. इसको कमाउफ्लेज कहते हैं. ठीक है. इट आल्सो एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैमाउफ्लेज. और इसीलिए इसको भी ना गिरगिट वगैरह की कैटेगरी में रख देते हैं. चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स. ओ, एक और बड़ा अच्छा फीचर इसका याद आया जो मुझे बताना चाहिए आपको. कैमेलियन वीवी पैरस होती है. मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स आर ओवी पैरस बट दे आर सर्टेन विच आर वीवी पैरस. उनमें से एक है हमारी कैमेलियन. इट इज़ वीवी पैरस. अच्छा, इसके जो डिजिट्स होते हैं ना वो भी अलग होते हैं. पेंटाडक्टाइल आपने पढ़ लिया, पांच वाला. अब अगर किसी के दो डिजिट आगे हो, दो डिजिट पीछे हो, अगर किसी के दो टोज आगे हैं और दो टोज पीछे हैं, उसको बोलते हैं ज़ाइगोडेक्टाइलस. तो इसके जो फिट वगैरह होते हैं वो ज़ाइगोडेक्टाइलस होते हैं. इट हैव ज़ाइगोडेक्टाइलस फुट मीन्स टू टोज आर दिस साइड एंड टू टोज आर दिस साइड. ये जो ये पैटर्न होता है इसको बोलते हैं दो टोज आगे की तरफ और दो टोज पीछे की तरफ, इसको ज़ाइगोडेक्टाइलस कहते हैं. तो कैमेलियन ट्री लिजर्ड, आर्बोरियल होती है, वी पैरस होती है, लॉन्ग टंग होगा विच इज यूज टू कैप्चर द प्रे, टेल बहुत लॉन्ग होगी एंड प्रीहेंसाइल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस प्रीहेंसाइल टर्म इज इम्पोर्टेंट हेयर. कमाउफ्लेज करते हैं, ये भी अपना कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. और इनके जो डिजिट्स वगैरह होते हैं मेनली ऑन द हाइंड लिम, दे आर ऑफ ज़ाइगोडेक्टाइलस टाइप. ठीक है बेटा, इतनी सारी चीज़ें इम्पोर्ट काफ़ी कैमेलियन के लिए. यस, नेक्स्ट पढ़ते हैं एक ड्रैको के बारे में. ड्रैको को बोलते हैं बेटा फ्लाइंग लिजर्ड. फ्लाइंग ड्रैगन भी कहा है कुछ लोगों ने उसको, बट लिजर्ड वगैरह याद है तो फ्लाइंग लिजर्ड याद कर लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4. आई गेस वन आई इज कम्प्लीटेड. और मैं तो स्नेक भी सोचा था ऐड करने के लिए, नहीं स्नेक आज ऐड नहीं हो पाएंगे. फोर्थ एग्जाम्पल इज ड्रैको एंड ड्रैको इज कॉमनली नोन एज फ्लाइंग लिजर्ड और फ्लाइंग ड्रैगन. क्यों इसको फ्लाइंग लिजर्ड या फ्लाइंग ड्रैगन कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं. अब जैसा कि आप डायग्राम में देखोगे, इसके जो स्किन होती है ना, स्किन के अंदर एक्सटेंशन होते हैं लाइक विंग्स. पैराशूट लाइक एक्सटेंशन, मेम्ब्रेन एक्सटेंशन ऑफ विंग बन जाते हैं जो इसको हेल्प करते हैं टू ग्लाइड फ्रॉम वन ट्री टू अदर ट्री. दिख रहा है, नजर आ रहा है बेटा? तो पहला याद रखेंगे, इट हैज़ मेम्ब्रेनस पैराशूट लाइक एक्सटेंशन ऑफ स्किन. इट हैज मेम्ब्रेनस पैराशूट लाइक फोल्ड्स ऑफ
स्किन एंड दीज मेम्ब्रेन्स पैराशूट लाइक फोल्ड ऑफ स्किन हेल्प दिस लिजर्ड टू ग्लाइड फ्रॉम वन ट्री टू अदर ट्री. दिस पैराशूट लाइक मेम्ब्रेन्स फोल्ड ऑफ स्किन दे हेल्प इट टू ग्लाइड. इनके लिए ना बहुत स्पेशल वर्ड भी यूज किया जाता है, इनको बोलते हैं पैटेजिया. दीज मेम्ब्रेन्स फोल्ड ऑफ स्किन इज रेफर्ड एज टू पैटेजिया. सो व्हाट इज पैटेजिया? पैटेजिया ना आगे आप बैट वगैरह में भी आप शायद ये वर्ड यूज़ करेंगे, उसके अंदर भी मेम्ब्रेन्स फोल्ड हो जाते हैं. फॉर द टाइम बीइंग अभी याद रखें कि भाई जो ड्रैको होते हैं उसकी जो स्किन्स हैं वो पैराशूट लाइक एक्सटेंड हो जाती है, एंड दैट पैराशूट लाइक एक्सटेंशन ऑफ स्किन इज नोन एज पैटेजिया. एंड दीज पैटेजिया आर सपोर्टेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ रिब्स. दीज पैटेजिया दे आर सपोर्टेड बाय एक्सटेंडेड रिब्स. ठीक है बेटा, डेट्स वाई वी कॉल डेट फ्लैंग लिजर्ड और फ्लैंग ड्रैगन. एक और फीचर इनके बारे में याद रखेंगे कि जो पटेजिया होते हैं ये हेल्प करते हैं टू ग्लाइड इट फ्रॉम ट्री टू ट्री. एग्जैक्टली फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ये ग्लाइड कर रहे हैं एक ट्री से लेके दूसरे ट्री तक. और किसकी हेल्प से कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ पटेजिया. कहाँ मिलती है? इंडिया की अगर बात करें इट इज़ मेनली फाउंड इन असम एंड केरला. देन ये बर्मा म्यांमार में भी मिल जाती है और मलेशिया में भी मिलती है. तो खैर वो आपको नहीं पूछेगा, बट आप याद रख लेना इन इंडिया दे आर फाउंड इन असम एंड केरला. म्यांमार बर्मा में मिलता है एंड मलेशिया में मिलता है. ये हो गया आपका ड्रैको के बारे में. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5. नेक्स्ट वुड बी एग्जाम्पल नंबर 5. और कौन से बच्चे हैं? हेमाडक्टाइलस हो गया आपका. देन सेकेंड आपने पढ़ा कैलोट्स के बारे में. थर्ड आपने पढ़ा कैमिलियन के बारे में. फोर्थ आपने पढ़ा ड्रैको के बारे में. अब मैं आपको बता देता हूँ वेनस के बारे में. वेनस को आप मोइटल लिजर्ड भी कहते हैं और गोह भी कहते हैं. वेनस विच इज़ कॉमनली नोन एज मोनिटर लिजर्ड और लेट्स कॉल डेट गोह. इतना दूर ना लिख के लेट यू मैंशन हियर. ठीक है बेटा, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग वेनस हियर. इसका जो टंग होता है, वेनस का जो टंग होता है वो प्रोट्रूसिबल होता है. कैमिलियन की टेल प्रोट्रूसिबल थी, इसका जो टंग होता है वो प्रोट्रूसिबल होता है. तो टंग गया, कोई भी चीज़ पकड़ के लेके आ गया. इट इज़ हैविंग इट्स टंग इज लॉन्ग एंड प्रोट्रूसिबल. ठीक है, प्रॉब्लम विद डैट इज़ कि जब वीडियो लेक्चर शूट कर रहे हैं आप ब्रेक भी नहीं ले सकते, ना बच्चों को ब्रेक दे सकते हैं, और इसको बीच में भी नहीं छोड़ सकते यार, क्योंकि दो चार एग्जांपल और बच्चे हैं. लिजर्ड वगैरह ख़त्म करके फिर स्नेक अगले लेक्चर में पढ़ देंगे. तो वेयरनेस का दूसरा नाम होता है गो. इसको बोलते हैं मोनिटर लिजर्ड. इसका जो टंग होता है डैट इज़ प्रोट्रूसिबल. फिर जब आपसे पूछा जाए ना जो वेयरनेस कोमोडेंसिस के बारे में, जो वेयरनेस कोमोडेंसिस होता है इसका दूसरा नाम होता है कोमेडो ड्रैगन. वेनस कोमोडेंसिस सेकेंड नेम इज कोमेडो ड्रैगन. इट इज़ द लार्जेस्ट लिजर्ड विच इज़ फाउंड इन द ईस्टर्न आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया. तो एक और याद रख लें, इसका जो क्या बताया था मैं, इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर तक हो जाती है और 250 किलो वेट तक हो जाता है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच इज़ विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द लार्जेस्ट नॉन लिजर्ड, आप आंसर करेंगे वेनस कोमोडेंसिस. वेरानस कोमोडेंसिस, अदर नेम इज कोमोडो ड्रैगन, दैट इज लार्जेस्ट लिजर्ड अप टू 3 मीटर इन लेंथ एंड 250 kg वे. बाप रे, इट इज़ एक्चुअली वेरी 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 हैवी. तो जब लार्जेस्ट लिजर्ड का क्वेश्चन वगैरह पूछा जाए बच्चों आपसे, तो आप ना कोमेडो ड्रैगन याद रख लेंगे. ठीक है, इंडोनेशिया में मिलती है, लार्जेस्ट लिजर्ड ऑफ वर्ल्ड है. इट इज़ द लार्जेस्ट लिजर्ड ऑफ वर्ल्ड
एंड इट इज़ कॉमनली फाउंड इन इंडोनेशिया। फोटो में आप देख ही रहे होंगे ना कितनी बड़ी सी है, कितनी खतरनाक सी है ये। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका वायरस के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक और लिजर्ड है उसकी स्किन से ना एक बहुत स्पेशल ऑयल निकाला जाता है जो मस्कुलर पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है, यूरोमेस्टिक्स। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5 आई गेस, वायरस वाज एग्जाम्पल नंबर 5। लेट अस डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल नंबर 6, वायरस कोमोडेंसिस, याद रख लेंगे, स्मॉल के है ये, राइट। यूरोमेस्टिक्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6, यूरोमेस्टिक्स। जो यूरोमेस्टिक्स होता है बेटा, इसका कॉमन नेम होता है, इसको स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड कहते हैं। इट इज़ कॉमनली नोन एज स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड। स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके टेल्स के ऊपर खूब सारे स्पाइन्स होते हैं, कॉमनली नोन एज स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड। अब इसके बारे में दो चार बातें सुनो। इसकी जो स्किन होते हैं, इसकी जो स्किन होती है उसके ऊपर ना कुछ फैट बॉडीज होती है, उन फैट बॉडीज से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस ऑयल को बोलते हैं सांडा ऑयल, एंड दैट हैज़ बीन यूज एज ए मस्कुलर पेन रिलीवर। सो फ्रॉम फैट बॉडीज, फ्रॉम इट्स फैट बॉडीज, सांडा ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड विच इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन। ठीक है बेटा, यूरोमेस्टिक्स के बारे में आप इतनी ही बात याद रख लेंगे। फिर एक पढ़ते हैं, हेलोडर्मा, नंबर 7 इज हेलोडर्मा। अभी देखो मैंने ना वो लिजर्ड पढ़ा ही नहीं आपको जो स्नेक के जैसी है, राइट, और हम नंबर 7 में पहुंच गए, हेलोडर्मा। सुना है कभी इसके बारे में पहले? जो हेलोडर्मा होता है बेटा, दो अलग अलग टाइप के हेलोडर्मा इस वर्ल्ड में मिलते हैं, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। हेलोडर्मा इज द ओनली पॉइजनस लिजर्ड इन दिस वर्ल्ड इज हेलोडर्मा। दे आर मेजरली ऑफ टू टाइप, एक होता है आपका हेलोडर्मा यू हैव बीन सस्पेक्टेड टू बी पॉइजनस, राइट, हेलोडर्मा सस्पेक्टिकम। फर्स्ट वन इज हेलोडर्मा सस्पेक्टम, एक्चुअली हेलोडर्मा सस्पेक्टम। और जो दूसरा इसका स्पीशीज होता है, डैट इज़ यू आर वेरी हॉरेबल हेलोडर्मा होइडम। सो हेलोडर्मा द ओनली पॉइजनस लिजर्ड। दे आर टू टाइप्स ऑफ हेलोडर्मा, दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज एक्चुअली। तो हेलोडर्मा ही पॉइजनस लिजर्ड्स में लिख देता हूँ, ठीक है। पहला कौन सा बताया मैंने आपको, यू आर सस्पेक्टेड टू बी पॉइजनस, हेलोडर्मा सस्पेक्टम, एंड यू लुक्स वेरी हॉरिबल हेलोडर्मा। शी इज नॉट टॉकिंग, आई एम कॉलिंग सो मच, आई एम सेइंग हेलो हेलो हेलो। हेलोडर्मा हॉरिबिलम। तो देयर टू मेजर टाइप्स ऑफ हेलोडर्मा विच हैज बीन फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दे आर फाउंड इन यूएस एंड मैक्सिको ओनली। इंडिया वगैरह में तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो मच स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड, दे फील लाइक वी आर सिटिंग इन मैक्सिको एंड दिस हेमिडेक्टाइलस इज हेलोडर्मा। तो हेलोडर्मा सस्पेक्टिकम एंड हेलोडर्मा हॉरिबिलम होइडम, हेलोडर्मा होइडम एंड हेलोडर्मा सस्पेक्टिकम, दीज आर टू पॉइजनस लिजर्ड। अच्छा, मैं आपको पॉइजनस फैंग वगैरह के बारे में बचा देता हूँ कि भाई देखो, जो इनका लोअर जॉ होता है उसके अंदर पॉइजनस ग्लैंड होती है, जो भी वीनस ग्लैंड है, विनोमस ग्लैंड में बोलूँगा, विनोमस ग्लैंड आर फाउंड इन द लोअर जॉज ओनली, विनोमस ग्लैंड आर फाउंड इन लोअर जॉ। पहली बात तो यही याद रख लेंगे। अच्छा, कई बार ना आपसे पूछ लेगा कि भाई ये जो पॉइजनस ग्लैंड होती, अच्छा मैं ना बाबा सामने आ जाता हूँ, आपको दिखता क्या होगा, आप लिख कैसे रहे होंगे।
बट आई बिलीव के माई स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, वेरी शार्प. मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, डेट इज़ मोर ओके. कैमरा फेसिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग. सबसे पहले याद रखेंगे विनोमस ग्लैंड, और दूसरा नाम होता है इनका फैंग. विनोमस ग्लैंड और फैंग दे आर फाउंड ओनली इन द लोअर जॉज, पहली चीज़. सेकेंड चीज़ याद रखेंगे, जो ये विनोमस ग्लैंड है, जो पॉइजनस ग्लैंड है, वो मॉडिफाइड सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है. पॉइजनस ग्लैंड आर मॉडिफाइड सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है बेटा, ओके. देन जो पॉइजन होता है वो प्रोटीन नेचर होता है, उसका मेनली एसिडिक पीएच होता है. यस, पॉइजन इज जनरली प्रोटीन नेचर एंड दैट इज हैविंग एसिडिक पीएच. जो भी पॉइजन या विनोम है वो फ्लो आउट करता है बाई फोर पेयर ऑफ ग्रूव लोअर टीथ. इनके अंदर फोर पेयर ऑफ ग्रूव्ड लोअर टीथ होते हैं विच हेल्प इन फ्लो ऑफ पॉइजन. तो हेलोडर्मा के बारे में इतना याद रख लेना, द ओनली पॉइजनस लिजर्ड इन दिस वर्ल्ड इज हेलोडर्मा. ठीक है बेटा, आर वी डन अप टू हियर? ऑल राइट, देयर आर टू मोर लिजर्ड विच हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड. एक ना बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा होता है, वो उसका नाम होता है थोड़ा एम्फीबियन के जैसा. उसका जो नाम होता है वो थोड़ा एम्फीबियन के जैसा होता है, कॉमन नेम एम्फीबियन के जैसा होता है, क्योंकि टोड आपने एम्फीबियन पढ़ा है. तो होन टोड इज नॉट एम्फीबियन, इट्स अ रेप्टाइल. फायरोनोसोमा नंबर 8, PHRYNOSOMA, द होन टोड. याद रखना, होन टोड इज अ लिजर्ड, भले ही इसका कॉमन नेम टोड वाला है. तो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करता है, एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. फायरोसोमा इज होन टोड. सबसे पहले तो याद रख लेना, कैमिलियन के साथ साथ दिस इज द सेकेंड लिजर्ड विच इज वी पैरस. इट इज ऑल्सो वी पैरस. ज़्यादा USA वगैरह में मिलती है, और इसकी जो टेल होती है वो स्पाइनी होती है. स्पाइनी लिजर्ड ऑफ USA एंड मैक्सिको, जिसके अंदर डिजर्ट एडेप्टेशन भी होता है, वो फायरोसोमा होता है. इट इज स्पाइनी लिजर्ड ऑफ USA एंड मैक्सिको, एंड इट इज वेल एडेप्टेड टू डेजर्ट. तो फायरोसोमा एंड कैमिलियन, दीज आर द टू वी पेयर्स लिजर्ड, आप अभी याद रखे चलेंगे. ठीक है बेटा, नाउ द लास्ट वन, वो लिजर्ड जिसके पास लिम्स वगैरह नहीं होते हैं, अब उनके बारे में पढ़ ही लेते हैं. ऑफियोसॉरस, लिम्बलेस लिजर्ड. याद है प्रीवियस लेक्चर में इसका मैंने फोटो भी दिखाया था शायद आपको. यस, मुझे याद आ रहा है कि इसका फोटो भी ऐड किया था. आज का लास्ट एग्जाम्पल, बच्चे भी थक गए होंगे देखते देखते. द लास्ट वन इज ऑफियोसॉरस. ऑफियो जो वर्ड है वो स्नेक के लिए है, सॉरस वर्ड लिजर्ड के लिए है, इसलिए इसको बोलते हैं स्नेक लाइक लिजर्ड और लिम्बलेस लिजर्ड. इट इज़ अ स्नेक लाइक लिजर्ड और लिम्बलेस लिजर्ड. द नेम इज ऑफियोसॉरस. पहले तो इसका दूसरा कॉमन नेम होता है ग्लास स्नेक. ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक बॉडी है और इसके पास लिम्स वगैरह नहीं है, तो इसको बोल देते हैं ग्लास स्नेक. अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं बिटवीन अ स्नेक एंड अ लिजर्ड, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्नेक भी है जिसके पास लिम्स नहीं है, और लिजर्ड भी है जिसके पास लिम्स नहीं है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? लिजर्ड की टंग कैसी होती है? एंटायर टंग होती है लिजर्ड के पास. स्नेक के पास बाइफिड टंग होती है, ये कल वाले लेक्चर में कवर किया था मैंने. तो जो पहला जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफियोसॉरस का क्यों अलग है, ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये स्नेक नहीं है लिजर्ड है, क्योंकि इसकी टंग भी एंटायर होती है. इसकी आईलिड मूवेबल होती है, मूवेबल आईलिड. स्नेक के पास तो मैंने बताया आईलिड होती नहीं है, यहाँ पर आईलिड मूवेबल होती है, और इसके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग भी होता है.
एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो एक आसान तरीका है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए स्नेक एंड अ लिजर्ड, क्योंकि ऑफियोसॉरस में शायद स्नेक वाले करेक्टर है इसलिए हमने इसको लिजर्ड के अंदर क्लासीफाई किया है। अब जो ग्लास स्नेक है उसके ना अलग अलग स्पीशीज मिल जाते हैं, उसके हमें तीन अलग अलग स्पीशीज मिलते हैं। पहले तो याद रख लेंगे एक और फीचर, इट हैव प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोटॉमी, इट हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोटॉमी, इसलिए इसको रखा गया है लिजर्ड के अंदर। स्नेक्स वगैरह ऑटोटॉमी नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इसके ना तीन अलग अलग आपको स्पीशीज मिल जाते हैं। एक होता है ऑफियोसोरस ग्रेसिलिस, वन इज ऑफियोसोरस ग्रेसिलिस, सेकेंड इज बर्कुडिया, ऑफियोसोरस ग्रेसिलिस सेकेंड इज बर्कुडिया एंड थर्ड वन इज एंगुइस। तो तीन अलग अलग स्पीशीज मिलेंगे, ऑफियोसोरस ग्रेसिलिस, थर्ड इज बर्कुडिया, सेकेंड इज बर्कुडिया एंड थर्ड इज एंगुइस। तो अगर आपसे ना सवाल पूछा जाए कि भाई कौन कौन से विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन मेंबर आर लिम्बलेस लिजर्ड, तो आप प्लीज ये तीन दो याद रख लेना। जो ऑफियोसोरस ग्रेसिलिस होता है उसका कॉमन नेम होता है नॉर्थ इंडियन ग्लास स्नेक, इसका कॉमन नेम होता है नॉर्थ इंडियन ग्लास स्नेक, ठीक है। बर्कुडिया कहाँ मिलता है, ये आपको साउथ इंडिया में मिल जाता है, और जो एंगुइस होता है वो यूरोप में मिलता है। तो यूरोपियन ग्लास स्नेक इज एंगुइस एंड साउथ इंडियन ग्लास स्नेक इज बर्कुडिया। तो बच्चों ये हो गया अबाउट द लिजर्ड, ये हो गया अबाउट द लिजर्ड। अब आज के लेक्चर में इतना ही, इट्स बीइंग क्वाइट लेंथी लेक्चर, आप लोग भी आपने नोट्स बना लिए होंगे, प्लीज़ एक बार नोट्स को रिवाइज कर लेना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे अबाउट स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई गेस आप लोगों ने सब मेंशन सब ये नोट डाउन कर लिया होगा। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर लेक्चर ख़त्म करने से 10 सेकेंड पहले आप हट जाए वो बोर्ड के सामने से, डेट वॉज ए गुड इनिशिएटिव, ताकि आप नोट डाउन वगैरह भी कर लें, राइट। प्रीमियम के बाद भी वैसे वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, आपका कुछ पार्ट वगैरह छूट जाता है तो आप बाद में भी देख सकते हैं, बच्चे वगैरह देखते भी हैं वीडियो, वो पता चल जाता है व्यूज़ वगैरह देख के। आप जितना भी बताया जा रहा है प्लीज़ वो सब याद करते चले जाए, याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंगुइस फ्रेजिलस इज़ द कम्प्लीट नेम ऑफ यूरोपियन ग्लास स्नेक, और भी चीज़ याद आती रहेगी, तो इसलिए अच्छा है कि हम लेक्चर ख़त्म कर देते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस इन द क्लास, टेक केयर, ये कंप्लीट करें और फिर हम स्नेक एंड क्रोकोडाइल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, क्लास इज डिसमिस्ड, टेक केयर।